नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कुछ दिनों से मुझे कुछ क्वेरी जा रही है रिगार्डिंग एमएसएमई एंड फिनेंस, तो आज का सेशन हमारा एमएसएमई और बैंक फिनेंस से रिलेटेड ही रहेगा। इसमें मैं आपके द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों के उत्तर दूंगा। तो इसको शुरू करने से पहले, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और आपको सारी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, आप इसे अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यह एक बिजनेस एंटरप्राइजेज का क्लासिफिकेशन है। तो एमएसएमई के लिए कुछ क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने फिक्स करे हैं, जो कि अभी कुछ समय पहले इसको अपडेट भी किया गया है। जो अपडेटेड वर्जन है वो मैं आपको बताऊंगा। तो एमएसएमई के क्राइटेरिया में आने के लिए आपको 1:10 का फॉर्मूला याद रखना है। आपको देखना है आपकी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कितनी है एंड आपकी टर्नओवर कितनी है। ये ऑफिशियली वेबसाइट पे, ये एमएसएमई की वेबसाइट पे लिखा हुआ है, मैं वहीं से सोर्स कर रहा हूँ। तो माइक्रो एंटरप्राइजेज के लिए जो आपकी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो अप टू 1 करोड़ होनी चाहिए, और टर्नओवर आपका अप टू 5 करोड़ होनी चाहिए। सॉरी, लगता है मैंने आपको 1:10 का फॉर्मूला बता दिया, इट इज 1:5 का फॉर्मूला। तो इसी तरीके से जो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, उसके लिए जो आपकी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो अबव 1 करोड़ रुपीज एंड अप टू 10 करोड़ रुपीज होनी चाहिए, और जो टर्नओवर आपकी होनी चाहिए वो अबव 5 करोड़ एंड अप टू 50 करोड़ रुपीज होनी चाहिए। आई होप कि ये क्लियर है बातें जी। और मीडियम एंटरप्राइज के लिए जो क्राइटेरिया है उसमें प्लांट एंड मशीन भी अबव 5 करोड़ एंड अप टू 50 करोड़ होनी चाहिए, और जो टर्नओवर है वो 250 करोड़ होनी चाहिए। आई होप कि ये क्लियर है। दोस्तों, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, उद्योग आधार इज सफिशियंट फॉर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन कैसे करें थ्रू उद्योग आधार, ये एक बहुत ही इजी प्रोसेस है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप आई बटन पे इस वीडियो को फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, उद्योग आधार क्या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए सफिशियंट है, इसका मैं आंसर आपको सब्जेक्टिव होना पड़ेगा। आप ये ऐसे ग्रॉस लेवल पे नहीं दे सकते। आप मान लीजिए, आपको अगर टेंडर में पार्टिसिपेट करना है, बड़े टेंडर में पार्टिसिपेट करना है, तो आपको एमएसएमई की प्रॉपर रजिस्ट्रेशन चाहिए फ्रॉम एमएसएमईडी एक्ट। और अगर आपको बैंक फिनेंस चाहिए या फिर आपको छोटे मोटे काम करने, तो उसके लिए उद्योग आधार इज सफिशियंट इनफ। तो ये डिपेंड करता है आपका स्केल ऑफ बिजनेस क्या है, उस पर आपकी एमएसएमई की रजिस्ट्रेशन डिपेंड करेगी कि कौन सा सफिशियंट है कौन सा सफिशियंट नहीं है। तो दोस्तों, उद्योग आधार, जिसे आपको बैंक लोन लेनी है, अगर आपके पास उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन नहीं भी है, तो बैंक आपको ऑटोमेटिकली एमएसएमई का बेनिफिट देती है ऑन द बेसिस ऑफ योर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड टर्नओवर। तो ऐसा जरूरी नहीं कि अगर आपके पास उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन होगा तभी बैंक आपको चीपर फाइनेंस देगी। नो, अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली बैंक ये बेनिफिट एक्सटेंड करेगी। आई होप ये भी क्लियर है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, बेनिफिट ऑफ एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। तो क्या बेनिफिट है अगर हमें उद्योग आधार बैंक फाइनेंस मिले, तो वैसे भी मिल जाती है जैसा कि मैंने आपको दूसरे क्वेश्चन के आंसर में बताया। तो इसका बेनिफिट क्या है? तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का बेनिफिट सिर्फ बैंक फाइनेंस तक ही सीमित नहीं है। देखिए, बैंक फाइनेंस तो एक आपको बेनिफिट है, जैसा कि आप लोगों को पहले से भी पता होगा, अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, एमएसएमई के लिए अप टू 2 करोड़ तक का लोन, बिफोर ये पैंडेमिक आने से पहले भी ये नियम था कि अप टू 2 करोड़ तक का आप कलेक्टर फ्री लोन ले सकते हैं अंडर सीजीटीएसएमई। सीजीटीएसएमई का फुल फॉर्म क्या है? क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। तो दोस्तों, ये तो हुई एक पहलू इसकी कि आपको एक कलेक्टर फ्री लोन मिल सकता है। मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो बैंक पे डिपेंड करता है, बट ये मिल सकता है, आप एलिजिबल हैं इसके लिए। उसके अलावा और भी कुछ बेनिफिट है, जैसे आप गवर्नमेंट टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपको आईएसओ रजिस्ट्रेशन में जो चार्जेस लगे हैं उसकी रिइंबर्समेंट हो जाएगी, आपने जो पेटेंट अप्लाई किया है उसमें 50% सब्सिडी मिलेगी,
अगर आपने बैंक लोन फिनेंस किया और आपने मशीनरी इम्पोर्ट किया तो उसमें 15% की सब्सिडी मिलेगी। इस तरीके की बहुत सारी बेनिफिट, आपको लोअर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आपका होगा, उसके बाद आपको कई जगहों पर रजिस्ट्रेशन में सुविधा होगी। इस तरह की बहुत सारी बेनिफिट है जो एमएसएमई को दी जाती है इंडिया में। तो एमएसएमई बेनिफिट सिर्फ बैंक लोन के लिए नहीं, बहुत सारे अदर एस्पेक्ट के लिए भी होता है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज 3 लाख करोड़ फंड फॉर एमएसएमईज। ये क्वेश्चन बहुत ही हॉट टॉपिक बन चुका है। मैं आपको क्लियरली बता दूं, जो गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन है वो ये है कि अगर आप एग्जिस्टिंग बोरोअर हैं और आपकी इंटायर बैंकिंग इंडस्ट्री, नॉट इवन अ पर्टिकुलर बैंक, जितनी भी बैंक है, एनबीएफसी है, सबको मिला के अगर आपकी आउटस्टैंडिंग 25 करोड़ से कम है और अगर आपका ओवरड्यू से मान लीजिए आपने इंटरेस्ट नहीं भरा है तो वो अप टू 60 डेज का है, मतलब 60 डेज से ज्यादा का ओवरड्यू नहीं है, तभी आपको 29 फरवरी 2020 ये डेट याद रखिएगा, 29 फरवरी 2020 की जो टोटल आउटस्टैंडिंग है उसका 20% आपको बैंक एक इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी के रूप में इमरजेंसी क्रेडिट फैसिलिटी के रूप में आपको एक्सटेंड करेगी। और ये यहाँ भी बैंक कर सकती है, ऐसा नहीं उसे करना ही है, आप अगर एलिजिबल नहीं है तो आपको नहीं करेगी वो, ठीक है। या बैंक को अदर चीजें दिखती है कि नहीं आपकी पास्ट में रिकॉर्ड बहुत खराब रहे, मान लो आपने दिसंबर से लेके आपने मार्च तक बहुत अच्छा अकाउंट चला है लेकिन उससे पहले आपके अकाउंट बहुत ही खराब चलते रहे हैं या फिर आपके कंडक्ट ठीक नहीं है, तो बैंक में डिनाई, बट आप एलिजिबल है इस चीज के लिए। तो ये डेट आप याद रखिएगा, 29 फरवरी 2020 को जो आपकी आउटस्टैंडिंग होगी, अगर मान लीजिए आपकी लिमिट 10 करोड़ है और उस दिन आउटस्टैंडिंग आपकी अगर 10 रुपए है तो 10 रुपए का 20% ही आपको मिलेगा, उस दिन जो आउटस्टैंडिंग है 29 तारीख को उसका 20% आपको बैंक एक्सटेंड करेगी इन फॉर्म ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी, इमरजेंसी क्रेडिट फैसिलिटी। आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट हर एक बैंक का अलग अलग डिसाइडेड होता है, क्योंकि आपको पता है कि अभी ईबीएलआर बेस्ड रेट, जो रेपो रेट लिंक्ड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगती है वो चल रही है। अगर मान लीजिए एक बैंक का रेपो रेट से बेस्ड जो लिंक रेट है, जिसे हम लोग ईबीएलआर बोलते हैं, ईबीएलआर से मान लीजिए अगर किसी का 6% है तो वो उस हिसाब से अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करेगी, किसी का ज्यादा है तो वो ज्यादा डिसाइड करेगी। तो मोस्टली ये 6.5 से लेकर 7.5% तक के बीच में एक्सटेंड करेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि इनके पिताजी का एक स्मॉल बिजनेस है और ये कोई लोन लेना चाहते हैं, बिजनेस लोन, उनको हेल्प चाहिए। तो देखिए, अगर आपके पिताजी का स्मॉल बिजनेस है तो आपके पास अगर सारे पेपर्स हैं, अगर एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, आप बैंक में जाइए, आपको जो बेस्ट अवेलेबल वहां पे जो आपका जो भी आपको सुटेबल स्कीम होगी वो बैंक आपको बताएगी और आप उसमें फिनांस अप्लाई कर सकते हैं। और एक तो बेसिक है आपकी जो मुद्रा लोन है, आप मुद्रा लोन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बताया कि स्मॉल बिजनेस है तो अपटू 10 लाख तक का लोन तो मुद्रा लोन में मिल जाती है, या फिर अगर आपके पास कोलेट्रल है तो आप कोलेट्रल बेस्ड भी लोन ले सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनका कहना है कि जो 20% इंक्रीज मिल रहा है लोन अमाउंट में 29 फरवरी के आउटस्टैंडिंग पे, तो उस पर इनको इंटरेस्ट पे करना होगा या इंटरेस्ट फ्री होगा। देखिए, इंटरेस्ट तो आपको हमेशा पे करना होगा, हाँ, बस ये हो सकता है कि ये डेफर हो जाएगी, आपको 1 साल या फिर 6 महीने के लिए आपको इंटरेस्ट, जिसको मॉरेटोरियम बोलती है, वो इंटरेस्ट आपको इमिडिएटली नहीं पे करना, वो आपको बाद में पे करना होगा। ये बात आप जान लो कि जो ये क्रेडिट इमरजेंसी क्रेडिट फैसिलिटी दी जाएगी वो इन फॉर्म ऑफ टर्म लोन होगी। टर्म लोन कौन सा लोन होता है, जिसमें आप ईएमआई भरते हैं, तो उसमें हो सकता है कि आपकी ईएमआई फर्स्ट 6 मंथ या फर्स्ट 12 मंथ के लिए नहीं लगे, लेकिन उसके बाद आपकी टोटल जितनी भी आपकी इंटरेस्ट एक्युमुलेट होगी, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल सारी एक्युमुलेट होगी, आपकी ईएमआई बनेगी अंटिल कोई फर्दर इंस्ट्रक्शन आरबीआई से या फिर गवर्नमेंट से नहीं आती है, अभी तक तो यही है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, इनकी एक कोचिंग क्लासेस है
और इनकी वाइफ की एक क्लिनिक है और इनके बेटे की भी एक सर्विस फर्म है, तो क्या बोल रहे हैं ये कोचिंग के लिए एमएसएमई अप्लाई कर सकते हैं? यस, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आप कोचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं और क्लिनिक के लिए भी कर सकते हैं। बट हाँ, एक चीज आप याद रखिएगा कि आप ट्रेडर हैं तो आपके लिए एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन नहीं है। एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एंटिटी के लिए ही होती है, ये ट्रेडिंग के लिए नहीं होती है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, मेरी एक ट्रेडिंग फर्म है, क्या मैं एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ? नहीं, आप नहीं ले सकते, क्योंकि ट्रेडिंग एमएसएमई में नहीं आता है। उसके बाद एक और है कि इसकी लास्ट डेट क्या है, ये जो 3 लाख करोड़ वाली फंड है इसकी लास्ट डेट क्या है? दिस इज 31st October 2020। तो अगला क्वेश्चन है, क्या ये स्कीम जो 3 लाख करोड़ वाली है वो एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए है या फिर नए फर्म के लिए है? देखिए, ना तो ये एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए, ना ही ये नए फर्म के लिए। नए फर्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए भी नहीं है। एग्जिस्टिंग बिजनेस जिसका ऑलरेडी लिमिट चल रही है, लोन चल रही है, लिमिट या लोन दोनों में से कोई चीजें चल रही है या दोनों चल रही है, उनके लिए जिनकी आउटस्टैंडिंग है 29 फरवरी को, अगर मैं 50 सालों से बिजनेस कर रहा हूं, मैंने कोई भी बैंक फाइनेंस नहीं ले लिया है, तो ये स्कीम हमारे लिए नहीं है। ये स्कीम उनके लिए जो ऑलरेडी लोन ले चुके हैं, उनकी आउटस्टैंडिंग है 29 फरवरी को, और जिनकी 60 डेज से ज्यादा की ओवरड्यू नहीं है, तो उनको जो 29 फरवरी की आउटस्टैंडिंग है उसका 20% इन फॉर्म ऑफ इमरजेंसी क्रेडिट फैसिलिटी आपको दी जाएगी। तो एक क्वेश्चन और है, तो जो न्यू बिजनेस है उनके लिए क्या स्कीम है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि न्यू बिजनेस के लिए लॉकडाउन से पहले जब ये पैंडेमिक नहीं स्टार्ट हुई थी, तो न्यू बिजनेस के लिए बहुत सारे लोन थे, स्टैंडअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, सीजीटी एसएमई में कोलेट्रल फ्री लोन, उसके बाद कोलेट्रल बेस्ड लोन, आप उस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। बट ये जो पर्टिकुलर 3 लाख करोड़ की जो गारंटी वाली स्कीम है वो उनके लिए है, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर है और ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको क्लियर हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं सीए रितीश राज साइनिंग ऑफ। थैंक यू।